ओबीसी महासभा शिवनी इकाई के धनोरा ब्लॉक में जनपद पंचायत धनोरा के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी महासभा धनोरा ब्लॉक अध्यक्ष नाम रईस पटेल, ओबीसी महासभा जिला संयोजक शरद कुमार नामदेव भी मौजूद रहे। समाज के लोगों ने बताया कि ओबीसी समाज में जनगणना के लिए जनगणना फॉर्मेट में अलग कॉलम बनवाया जाए, साथ ही ओबीसी समाज की जनगणना पर सार्वजनिक की जाए। वहीं ओबीसी समाज के अनुपात के आधार पर सभी सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जी, आज धनौरा जनपद पंचायत के सामने तमाम ओबीसी महासभा से जुड़े और ओबीसी भाइयों के द्वारा यहां धरना प्रदर्शन रखा गया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ओबीसी महासभा ओबीसी समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है, और वो लड़ाई इसलिए लड़ रही है कि अन्य जो समाज हैं जैसे कि एसटी एससी सभी के लिए जनगणना फॉर्मेट में कालम बनाया गया है, उसी प्रकार ओबीसी की जनगणना के लिए भी जनगणना कालम में अलग से कालम बनाया जाए और ओबीसी की जनगणना की जाए। आपके कार्यक्रम पूरे संपूर्ण भारत देश में ओबीसी महासभा जनगणना को लेके जगह जगह धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है और के साथ के कार्यक्रम चल रहा है। मैं शासन से आग्रह करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से और राज्यपाल से भी मैं आग्रह करता हूं कि ओबीसी महासभा के अंतर्गत जितने भी ओबीसी के लोग आते हैं उनको जनगणना के फॉर्मेट में चिन्हांकित